दोस्तों मैं बताने जा रही हूँ आपको कि बच्चों के लिए फ्रूट जैम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आप जो है ये चीनी है वो ले लीजिए, आधा कप चीनी है इसको डाल दीजिए। के बाद आप ये आधा गिलास फ्रूट जैम डाल दीजिए इसमें। फिर इसको आप जो है मिला लीजिए अच्छी तरह से, मतलब आपको खोलाना है इसे बिल्कुल। इसे खोला दीजिए पूरा अच्छी तरह से, मिलाकर इसे खोलाना है। फिर इसमें आपको इतना सा नींबू इसमें निचोड़ देना है, ये देखिए ऐसे। पूरा अच्छी तरह को मिलाकर खिलाना है। फिर दोस्तों ये आपका खोल गया, इसे खुला दिया है आपने बिल्कुल ही। फिर इसको आपको ठंडा करना है। ठंडा करके ये अगर अगर मिलता है, ये देखिए अगर अगर आता है, ये आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा ऑनलाइन। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, एक चम्मच लेना है और इसको अगर अगर को इस चम्मच की सहायता से एक चम्मच आपको इसमें मिला देना है। इस तरह से आपको इसको मिला देना है अच्छी तरह से। इसमें आपको रख देना है भर के, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। फ्रूट जैम ब्रेड में लगाइए, टोस्ट में लगाइए, बच्चों को सुबह सुबह दीजिए, और अपने घर का बना हुआ होगा आपके, ये आपको फ्रिज में रख देना है 2 घंटे के लिए। ये जम जाएगा फिर इसे दोस्तों, इसको इसकी सुरक्षा के लिए आपको इसको फ्रिज में ही रखना है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये जान, ये जो है फ्रूट जैम जो है बिल्कुल जम गया है, ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। अब इसके जैसे आपने 1 चम्मच निकाला और इसमें ब्रेड में अपने लगा लिया, और ये देखिए ऐसे लगाना है आपको ब्रेड में। इस तरह से आपको पूरी ब्रेड में लगा देना है, ये देखिए बच्चों को बहुत पसंद आता है। सुबह नाश्ते में आपको दे देना है, या फिर आप स्कूल जाते समय उनके लंच में भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से उनको लगाकर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जरूर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।